और आवाम के साथ हो, आवाम हमारे साथ हो और हम आवाम के साथ हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। और ब्लॉग को शुरू करने से पहले वही हमारा पुराना पैटर्न, पसंद ना आए तो इट्स ओके, पसंद आ जाए तो लव यू हो जाएगा। और बताएं सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और मैं बैठी हूँ इस वक्त तैयार होगी, जो आप देख रहे होंगे कि मैं बड़ी तैयार हुई हूँ, तो वो क्यों हुई हूँ? क्योंकि आज मुझे फजी जो है सरप्राइज़ दे रहे हैं कि मुझे कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं चलो आओ तो मैं घुमा के लाऊँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं थी इसलिए, तो अब ये मुझे बाहर लेके जा रहे हैं। आप देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं, ये मैं वहीं जाके आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तक मुझे भी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि सब पता नहीं चलता ना, कभी कभी आदमी जो होते हैं अपने मूड के होते हैं, तो बस ये आज अपने मूड के हैं तो लेके जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं फाजी और शान जा रहे हैं आपसे फ्यू मिनट्स लेटर। साथ साथ ही चल रही हूँ बेटा, कोई बात नहीं है, लेडीज और जेंट्स अलग कर दिए हैं, यहाँ पे रास्ता अलग अलग है सबका, तो बस अब हम चल तो साथ साथ ही रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये भी ना बच्चों की शर्ट है, नहीं वेस्ट कोट है, इंशाल्लाह अच्छा लग रहा था ना इस टाइम के बजाय में। आओ शान, पता करो बिस्किट, मैं जाऊं ये क्या है, किस तरह दे रहे हैं क्या ये स्लाइसर है? 450 स्लाइसर से किया आपने? हाँ ये स्लाइसर से, ये जाल है। और एक वो आपका मैंने अभी पैकेट एक देखा था, ये वो क्या है? मुकम्मल सेट है, ये 1500 का पैकेट है, 1000 रुपए में दे। ये कितने का?
कौन सा? ये 450 कैसे? अंदर अंदर भी है, आप खोल के ना चेक करवा सकते हैं, कोई नहीं है। ये देखिए, ये देखिए कैबेज वगैरह कटिंग करना है सर, आपने कैबेज वगैरह कटिंग करना है, खीरा वगैरह स्लाइस क्या रहेगा? 450 का सर। और बाहर कितने? 550। ये देखिए रेट हमारा सर, अच्छा इसमें आपको वो ब्लेड चेंज करना पड़ेगा, ब्लेड फिक्स ब्लेड होता है, और ये इतना ही पीस है, यही है बस मैडम। 450 का ये तो चॉपर कटर हो गया। अगर मार्केट रेट 1500, होलसेल रेट 1000। ये देखिए क्या क्या है, ब्लॉक छोड़ेंगे एक साइड, एक गोल बनेगा इसके अंदर, फिलिंग उठाया आपने, ये देखिए दूसरा स्टार शेप बनेगा इसके अंदर, ये देखिए देखिए हार्ट शेप, और ये समोसा सेट भी रोल पट्टी से बना लें, सैंडविच समोसा कचोरी एक साइज पेटे रखें, फिलिंग रखेंगे आलू की माफ की, आपने ये साइड निकाल लिया है, ऑयल में घी में इससे भी चलो फ्राई कर लें, ये कंप्लीट है। मार्केट रेट 1500, होलसेल रेट 1000, मशीन एक, कबाब का तीन दिन का, और ये अकेले ये कितने का है मैडम? ये 550 रुपये, ये 550। इसमें तीन है, तीन है, मुकम्मल में डिस्काउंट है, 1500 की 1000 में दे रहे, रमजान ऑफर है, छोटू हाथ दिला, हाथ दिला लगाओ, ये 550। अजी बाजू में वीडियो बनाना, उससे बना ले, सब कुछ बना देंगे पूरा चीज। ये कितने का बता रहे हैं? 550। समोसे वाला भी ले ली, और गोल राउंड ये वाला भी ले ली। ये भला होगा बताओ, ये मिल आपको भी दिखा रहे, ये पैकेट में भर रहे हैं ना, भैया हम तो आवाम के लिए काम करता हूँ और आवाम के साथ हूँ, आवाम हमारे साथ है और हम आवाम के साथ बोलते हैं। नया पास इस गोले में आया तो आपको कपड़े कहाँ से मिलता था? अरे यहाँ पर बहुत सारा दुकान है, शॉपिंग करो। नहीं नहीं जवाब मिला दे, व्हाट्सएप कर बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हम एक्सपो में आए थे, एक्सपो में आए थे, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से एक्सपो से, तो रश ही रश बहुत है, मगर इतना कोई फर्क नहीं है बाइक में और यहाँ में, जो एवरेज ही निकला मुझे तो नहीं अच्छा लगा, बट फिर भी हमने बिस्किट वगैरह लिए, ये बच्चों के लिए बिस्किट ले लिए, और बाकी तो कोई चीज़ समझ में नहीं आई। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, निकल रहे हैं एक्सपो सेंटर से, अच्छा बस ये घूमने फिरने आने के लिए तो अच्छी जगह थी, बट वैसे बस सोच हुई है, अच्छा नहीं लगा, चलो आ जाओ इनके लिए सही है, बस क्या आ गए चले, चल
लाइट ही नहीं खुली। चलें जी बस हम जा रहे हैं, ये रहा इसका एंड कर रहे हैं, अब वो यहाँ से निकल रहे हैं, बचत बाजार लगाए इससे अब घर जा रहे हैं। आप रास्ते में तो नहीं निकालूंगी मोबाइल, घर जाके बात करते हैं। इससे बाजार इससे निकल गए, बाहर देखिए कितना रश हो रहा है, ये देखिए हो रही है, मगर लगा हुआ चांद पे था, बस वो इतना ही रहा। क्या हो रहा है? और शामी कबाब बनाए और शलजम पालक का सालन बनाया। अच्छा चलो भाई, इतने बिजी टाइम में सब कुछ भी बना चुका है। क्यों? खाना तो बनता है। ये क्या कबाब बने हैं? जी शामी कबाब बनाए थे ना मैंने। ये कच्चे वाले? हाँ ये कच्चे। और ये मैं इसलिए बनाए थे ना कि यार ये फिर सालन तो खाया नहीं जाता सैरी में, बच्चे इसके खा लेते हैं। अच्छा फायर पैन भी रख दिया ना, सारा सब चीजें रख दी ना। हाँ जी। तो ये पुराना वाली निकाला है। एक्सपो गई थी तो एक्सपो में इतना दो तीन चार कंपनीज हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और बस उसी को वो जो बहुत हाई ले जाके और लो ले आते हैं जो कि उनके अपने ही रेट होते हैं, उन पे ले जाके वो उन चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बचत बाजार है। मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, मैं बिस्किट लेके आई थी बस और बाकी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भी शयान साथ गया था तो उसने ले लिए। आने वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी शिफ्टिंग का, शिफ्टिंग कैसे करूंगी, कहां लिया है घर, कहां जाऊंगी और सारी चीज़ें शेयर करूंगी इंशाल्लाह आपके साथ। बहुत ज़्यादा माजरत के मैं बहुत दिन बाद तकरीबन 8-9 दिन के गैप के बाद आज अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, वो चूँकि थोड़ी तबीयत भी सेट नहीं थी, प्लस ये कि घर की शिफ्टिंग के लिए सामान वामान पैक करना था, सारे सामान को पैक किया, सब चीज़ें उल्टी सीधी हो गई थी, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अब इंशाल्लाह कंटिन्यू आएंगे, आज का ये व्लॉग देखिएगा और बताइएगा मुझे और ज़रूर आगे से आगे फैमिली और फ्रेंड में अपने शेयर कीजिए ताकि मेरा ये जो गैप आया है ये कवर हो जाए। चैलेंज जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।